हम मारिया आपी के सामने आपको हीरो बना रहे हैं। अरे मिस मारिया, क्या वाकई मिस्टर इरफान रऊफ उर्फ इफ़ी इल्मे फिचुअरिटी को जानते हैं? कब बड़े होंगे आप? आखिर हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं, मामा को जीरो से हीरो बना दिया हम लोगों ने। मुझे मिस्टर इफ़ी का इम्तिहान लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल। ओए शक। मामा से डील के मुताबिक चीज़ ले लेंगे और एंजॉय भी हो जाएगा। मुझे भूख लगी, मैंने सोचा कि कुछ खा पी लूं, मैं बस उसी इन्वेस्टिगेशन में था कि ये सब कुछ हो गया। हाय, वो कहते हैं ना नारा झूरी बोला, वही वाला हिसाब हुआ आपके साथ। फिफी भाई, आप नहीं सुधरेंगे कभी भी। बच्चे हैं आफत के परकाला है क्या? मेरी धुलाई की इन्होंने कसम से ऊब इतनी ठीक से उठ रही है, कैसे बच्चे हैं ये? अब आपको क्या हुआ है? मेरी धुलाई की है आपके बच्चों ने। तो इफ़्फ़ी भाई, आप भी तो हद करते हैं ना, क्या जरूरत है आधी रात को फ्रिज में से कस्टर्ड निकाल के खाने की? और आप तो बच्चों को कह रहे थे मैंने मीठा खाना छोड़ दिया, मेरा वजन बहुत बढ़ रहा है, देख लिया बंजाम। खैर मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, घर का ख्याल रखेगा। और बच्चों का भी? वो मेरे बच्चे हैं, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, और आपका भी, समझे? अरे मिस मारिया, आप? हाँ, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो आप नजर आ गए। ओहो उफी मामा, आप यहाँ? हम तो आपको पूरे घर में तलाश कर रहे थे। अरे यार, बात ये, मैं ना जरा शॉपिंग पे जा रहा था। बच्चों, ये हैं मिस्टर इफ़ी, क्या इनके पास कोई ऐसा इल्म है जो इनकी काबिलियत को परख सके? वैसे तो इफ़ी मामा हाथ की सफाई अच्छी दिखाते हैं, लेकिन कोंगो कबीले के इल्म में एक्सपर्ट एक्सपर्ट। कोंगो कबीला? असल में इल्म में जो फ्यूचरिटी है ना, इसमें ये खास अमली से तो कुछ खास चीजें दरकार होंगी जी। अच्छा, तो फिर तो आज मैं जरूर देखना चाहूंगी कि ये इल्म में फ्यूचरिटी है क्या, और आप इसमें क्या क्या बताएंगे? जी जी जी, जरूर जरूर। अच्छा मैं चलती हूँ। जरूर जरूर। बच्चों, तुमने मुझे अच्छा मरवाया यार, तो बताओ मैं कहाँ से लाऊंगा, कहाँ से सीखूंगा अमली फ्यूचरी? दो कौड़ी की इज्जत हो जाएगी मेरी उस मारिया के आगे। अगर आप हमसे डील कर लेंगे तो हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे ना। सोच ले मामा, इसमें आप ही का फायदा है। बच्चों, इस डील के लिए मुझे क्या करना होगा? वेरी सिंपल, मेरा लैपटॉप बनवाना होगा, काशिफ को न्यू बेड दिलवाना होगा, और एक हफ्ते तक हमें आइसक्रीम और क्लब सैंडविच खिलवाने होंगे। सोच क्या रहे हैं मामा, हम आपको मारिया हाफी के सामने हीरो बना रहे हैं, हीरो। वैसे तो आप जीरो हैं, जीरो। तू फिर ऐसा करो, मुझे बना दो जीरो से हीरो उस मारिया के आगे। Thank you.
वाकई ये मिस्टर इरफान रऊफ उर्फ इफ़ील में फिचैरिटी के बारे में जानते हैं? मेरी अकल क्यों काम नहीं कर रही? क्यों मुझे यकीन नहीं आ रहा? मुझे इनका इम्तिहान लेना ही पड़ेगा। मारिया आपी? आओ पिंकी बैठो। मारिया आपी, आपको पता है मैं मार्केट से फ्यूचर बताने वाली किताब लेकर आई हूँ। पिंकी, किताब पढ़ने का टाइम नहीं है अब। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि वो मिस्टर इफ़ी है ना, वो कौन सा इल्म है, अजीब सा उसका नाम है इल्म फिचैरिटी, वो उससे मेरे बारे में क्या क्या बताएंगे? अब जैसे आपके बारे में मुझे बहुत सी बातें पता है। हाँ ना, बिल्कुल। जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 9 जुलाई 2000, मेरा फेवरेट लकी कलर पिंक। बिल्कुल, लेकिन मैं शर्त लगा सकती हूँ कि अब वो ना, वो जो इल्म जानते हैं ना, वो उससे मेरी फेवरेट डिश का नाम नहीं बता सकते। लेकिन मारिया पे वो है कौन सी? आपस की बात है, चिकन चाउमिन। वो तो मेरी भी फेवरेट है, लेकिन मौसम कौन सा पसंद है, बाहर का ना? नहीं, मुझे ना बरसात का मौसम पसंद है। बरसात का मौसम मज़ेदार सा, जिसमें ना वो पकौड़े खाते हैं ना चटनी के साथ, बहुत मज़ा आता है, वो मौसम पसंद है। और मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना भी पसंद है, और समंदर पे जाके सनसेट देखना भी पसंद है। अच्छा, आप ये बताएं, आपको डर किससे लगता है? राज की बात है पिंकी, लेकिन मुझे ना कॉकरोच से बड़ा डर लगता है, और मैं ना फ्यूचर के बारे में बड़ा सोचती हूँ कि यही ना, कि आपका फ्यूचर बैक टू द फ्यूचर की तरह ना हो जाए। एब्सोल्युटली राइट। ये सब क्या हो रहा है? अगला भूल है, अगला भूल, भूल की बात ही हूँ। रंबा 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 हो।